हाय फूडीज, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग हेल्दी होंगे, सेफ होंगे और मेरी रेसिपीज ट्राई कर ही रहे होंगे। तो आज की जो हमारी रेसिपी है वो स्पेशली उन लोगों के लिए जो अकेले रहते हैं, हॉस्टल्स में रहते हैं या जॉब कर रहे हैं। तो ये प्याज टमाटर की जो सब्जी है, इजी टू कुक, चलिए जल्दी से इसे देख लेते हैं। हाँ जी, तो आपके पास जो भी हो, पॉट, पैन, कढ़ाई, कुछ भी हो, आप वो लें और उसमें डालें 2 टेबलस्पून ऑयल और उसमें डालें बहुत सारी राई। राई के बाद हम इसमें, अगर आपके पास गार्लिक है, लहसुन है, तो आप वो उसमें चॉप करके डाल दें और इसमें डाल दें बहुत सारी प्याज। प्याज मैंने यहाँ पे ली है 2 से 3 प्याज मीडियम साइज़ की, और उसको बिल्कुल कम पकाना है, ज़्यादा गोल्डन वोल्डन नहीं करना है, बस हल्का सा ये थोड़ा सा पिंक कलर में हो जाए, ट्रांसलूसेंट हो जाए, बस तब तक ही इसे पकाना है। फटाफट से इसको जल्दी से पका लेते हैं, और जब तक आप इस टमाटर को जो है वो चॉप कर लीजिए। टमाटो मैंने यहाँ पे रेशो में लिया है 5 से 6, क्योंकि प्याज मेरी 2-3 थी, तो आप भी इसी रेशो में लें, ज़्यादा टमाटर लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो जो प्याज का जो टेस्ट आता है वो ख़राब हो जाएगा। तो बस इसमें फटाफट से टमाटर ऐड करें, हरी मिर्ची ऐड करें बहुत सारी, और ऐड करें नमक। इसको ढक के पकाएं, और जब तक ये पक रही है, आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती ही है तो आप इस रेसिपी को भी लाइक कर दें, नए हैं तो मुझे सब्सक्राइब कर दें, और ये बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि इससे आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशंस जल्दी से जल्दी मिलती रहेंगी। बस तो ये ढक के पकाने के बाद ये हल्की सी गल गई है, इसमें डालिए बहुत सारा हरा धनिया और पकाइए इसे अच्छे से, 5 मिनट के लिए भूनिए, और ये हो गई है रेडी। आप इसे सर्व कीजिए रोटी पराठे के साथ, या आप इसे टिफ़िन में ले जा सकते हैं। मतलब ये बहुत ही इजी टू कुक है और टेस्टी टू ईट है, तो आप इसे बिल्कुल ट्राई कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए डू व्हाटएवर यू वांट टू डू, बट डोंट फॉरगेट टू ईट एंड रिपीट। बाय बाय।